स्वागत आपके साथ में हूं ललित प्रजापति। बजने जा रहा है सिक्स और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर सिक्स। आज बात ग्वालियर की होगी, जहां आधी रात बदमाशों का तांडव मचा रखा है, वहीं मंदसौर के गालीबाज पुलिस वालों के बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही श्योपुर में बच्चों के साथ हो रहे जुल्म की दास्तां भी दिखाएंगे और जिसे देखकर आप कहेंगे कि शिक्षक है या शैतान, और फिर मौत की छलांग की तस्वीरें दिखाएंगे, कांकेर में नशे का फुल डोज और वायनाड से तबाही की तस्वीरों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। ग्वालियर में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि पहले घर के बाहर फायरिंग करते हैं, फिर जान से मारने की धमकी देते हैं, और जब मामला तूल पकड़ने लगता है तो समझौते का दबाव बनाते हैं, और वो भी अजीबोगरीब हरकतें करके। कभी पीड़ित के घर पर ढोल बाजा लेकर पहुंच जाते हैं और कभी आधी रात घर के बाहर करते हैं डांस। घर के बाहर बजते ढोल बाजे की तस्वीर किसी शादी विवाह की नहीं, बल्कि यह तस्वीर उन बदमाशों की है जिन्होंने पहले तो दबंगई की और फिर सीनाजोरी पर उतर आए। घर की तस्वीरें देखिए, जहां कांच टूटे पड़े हैं और घर में रहने वाले दहशत में हैं। दरअसल मामला कुछ यूं है कि 7 साल पहले किसी विवाद को लेकर बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया था, वो भी कट्टे से घर पर फायरिंग की। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बदमाश राजीनामे के लिए परिवार को अजीबोगरीब तरीके से परेशान करने लगे। कभी रात में साथियों के साथ बदमाश आकर ढोल तासे लेकर आता, तो कभी आधी रात में आकर डांस करता, धमकी देता। 2017 की बात है, हम लोग इधर नए नए आए हुए थे। राजेंद्र बुंदेला अपने दोस्तों के साथ आता था, घर के बाहर दारू वारू पीता था और गाली गलौज करता था। तो इसको एक दो बार टोका, इसको जातिगत गालियां देता था, एक दो बार मना किया मैंने कि भैया यहाँ गाली वाली मत दिया करो। फिर उसके बाद ये कट्टे वट्टे लेके आए, एक दो बार इसने फायर किए पहले 2017 में, उसके बाद फिर ये शांत रहेगा। रिपोर्ट भी की थी थाने में, उसके बाद ये शांत रहेगा, इसने कुछ नहीं हरकत की। तृप्ति नगर इलाके में रहने वाला परिवार मानसिक रूप से परेशान है। बदमाश कभी भी आ धमकते हैं और अजीबोगरीब हरकत करते हैं, कभी कभी गाली गलौज पर भी उतर आते हैं। परिवार वालों की आंखों में डर नजर आता है। जब उनकी माँ से बात करने की कोशिश की गई तो वो डर की वजह से ठीक से बात भी नहीं कर पाई। पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, अधिकारियों से लेकर CM तक के पास मदद की गुहार लगाई गई। 3-4 बार थाने में शिकायत की गई लेकिन कोई हल नहीं निकला। कार्रवाई न होने से दुखी रवि और उसके परिवार ने अब जनसुनवाई में शिकायत के साथ ही CM से न्याय की गुहार लगाई है। उधर जब अधिकारियों से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कार्रवाई की बात कही। थाना थाटीपुर से एक जनसुनवाई में एक फरियादी आया जिसका फरवरी माह में एक मुकदमा हुआ था मारपीट का और SST एक्ट का। उसका कहना है कि एक आरोपी अभी फरार है और वो तरह तरह के तरीके अपना रहा है ताकि समझौता कर लें। वो एक वीडियो भी दिखा रहा था, बोला उसमें मेरे घर के बाहर ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वीडियो भी जांच करेंगे। मैंने थाना प्रभारी से बात की है कि उस वीडियो का और उसका उद्देश्य क्या है और आरोपी की गिरफ्तारी करके शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब जागती है और बदमाशों के तांडव का अंत कब होता है। ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट, News 18। मंदसौर में चोर चोरी के इरादे से पवन चक्की पर पहुंचता है, चोरी की घटना को अंजाम देता है। जब पवन चक्की के फील्ड ऑफिसर की नजर चोरों पर पड़ती है तो वो मदद के लिए SI को कॉल मिलाते हैं, लेकिन मदद तो नहीं मिलती, मिलती हैं तो गालियां। सर नमस्कार। सर कौन बोल रहा है? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ। सर ये पवन चक्की का फील्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। फील्ड ऑफिसर राजकुमार लंगाना थाने के, उन्होंने देखा कि नहीं आधी रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँ सर? मैं क्या हो रहा अभी इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया हूँ। गाली कैसे दे रहे हैं? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा पहले मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं? जल्दी कर अभी, ठीक अभी कर जल्दी। ये मंदसौर पुलिस है जो मदद के नाम पर गालियां देती है, अपराधियों को पकड़ने के बजाय अपने घर गृहस्थी में लगी रहती है। तेवर तो देखिए साहब के, ऐसा लगता है मानो नौकरी नहीं एहसान कर रही हूँ। चलिए पहले घटना के बारे में जानते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे, मंदसौर में एक चोर चोरी के इरादे से पवन चक्की तक पहुंचा, केबल और ऑयल की चोरी करने की कोशिश करता है। इस दरमियान गार्ड की नजर चोर पर पड़ती है और वो आनंद फानंद में फील्ड मैनेजर को कॉल करता है। फील्ड मैनेजर ने मदद के लिए जब पुलिस को कॉल किया तो ASI ने जो कहा एक बार आप खुद सुन लीजिए।
सर नमस्कार सर, कौन बोल रहा? सर मैं दीपक बोल रहा हूँ सर, ये पवन जक्की का फील्ड ऑफिसर बोल रहा हूँ। मतलब फील्ड ऑफिसर राजकुमार लंगाना थाने पे, उन्होंने देखा कि नहीं आधी रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूँ कि तुम्हारा वो करूँ? सर मैं क्या हो रहा अभी इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया हूँ। गाली कैसे दे रहे हैं? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा पहले मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं? जल्दी कर अभी, ठीक अभी कर जल्दी। गार्ड चोर को रोकने की कोशिश कर रहा था, जब चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ तो गार्ड की हत्या कर दी, जिससे गार्ड विशाल की मौत हो गई। पवन चक्की के फील्ड ऑफिसर दीपक मालवीय का आरोप है कि उन्होंने गरोड़ थाने पर तैनात एसआई गजेंद्र शर्मा को इसकी सूचना दी थी, लेकिन गजेंद्र शर्मा ने मदद करने से इनकार कर दिया, बजाय इसके वो गाली गलौज तक करने लगे। फील्ड ऑफिसर राजकुमार लंगाना थाने पे, उन्होंने देखा कि नहीं आधी रात में मेरी घरवाली बीमार पड़ी, मैं इसकी सेवा करूं कि तुम्हारा वो करूं? सर मैं क्या हो रहा अभी इमरजेंसी केस है, आदमी को मार दिया गोली, इसलिए मैं आपको फोन लगाया हूं। गाली कैसे दे रहे हैं? इमरजेंसी में गोली लगाया, मैं 100 टाइम लगा पहले मानव अधिकार आयोग में कंप्लेन करूंगा मैं, आपकी गाली कैसे दे रहे हैं? जल्दी कर अभी, ठीक अभी कर जल्दी। फील्ड मैनेजर ने एएसआई की शिकायत एसपी अनुराग सुजानिया से की, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी। कॉल रिकॉर्डिंग मिलने के बाद एसपी अनुराग सुजानिया ने एएसआई गजेंद्र शर्मा को सस्पेंड कर दिया। हाँ, इस तरह का एक वाइड आपके साथ बता रहे हैं, इस तरह का ऑडियो संज्ञान में आया है और इस आधार पर ही उसको जो हमारा जो कर्मचारी है उसको सस्पेंड किया गया। आगे पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगी? देखिए, इसमें सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि जो हमारे सूत्र हैं जो मुखबिर इसमें लगाए गए हैं, और सभी सीसीटीवी कैमरा अन्य पहलुओं पर जांच इसमें की जा रही है। पुलिस अपने काम के प्रति जो रवैया रख रही है वो कहीं ना कहीं वो अपराधियों के हौसलों को बुलंद करता है। सोचिए अगर एसआई मौके पर मदद के लिए पहुंच जाता तो शायद आज सुरक्षा कर्मचारी विशाल जिंदा होता, लेकिन उसका क्या, उन्हें तो बस अपनी नींद को पूरा करना था, अपना घर गृहस्थी संभालना था। मंदसौर से नरेंद्र दंडोतिया की रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर श्योपुर में एक शिक्षक ने छात्रों के साथ बेरहमी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। शिक्षक ने पहले छात्रों को जमकर पीटा और फिर उन्हें मुर्गा बना दिया। वीडियो वायरल होने के बाद परिजन नाराज हैं, आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। पूरा मामला दूरद गांव के वन्ना कॉन्वेंट स्कूल का बताया जा रहा है। ये दंड, ये बेरहमी, ये प्रताड़ना, क्या बच्चे इसी के लिए स्कूल पहुंचते हैं? कहते हैं कि हर एक छात्र के जीवन में शिक्षकों का महत्व होता है। कभी वो हमारे दोस्त बनकर हमें सिखाते हैं तो कभी एक बेहतर इंसान के तौर पर हमारी मदद करते हैं। लेकिन सोचिए, जब शिक्षक बेरहम बन जाए तो बच्चों का भविष्य कितना बेहतर होगा। तस्वीरें श्योपुर के विजयपुर विकास खंड क्षेत्र के दौड़ गाँव की है, जहाँ शिक्षक बच्चों पर बेरहमी करते नजर आए। वीडियो में दिख रहे छात्र छात्राएं प्राथमिक क्लास के हैं, जिन्हें दंड के तौर पर मुर्गा बना दिया गया। देखिए, वीडियो में छात्र मुर्गा बने दिखाई दे रहे हैं, वहीं छात्राएं हाथ ऊपर करके खड़ी नजर आ रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। संस्था में या विद्यालय में किसी भी छात्र छात्रा को दंडित करने का नियम नहीं है। ये वीडियो मैंने देखा है, वास्तव में इस तरह की जांच की जाएगी। यदि उनके साथ छात्राओं के साथ दंडित किया गया छात्रों को, तो निश्चित तौर पर जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा के मंदिर में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? श्योपुर से दीपक दंडौतिया की रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर केरल के वायनाड में आई तबाही में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद हालात बेहद मुश्किल हैं। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है। अभी लापता लोगों की भी तलाश की जा रही है। केरल का वायनाड कुदरत के कोप की वजह से कराह रहा है। नरक जैसे हालात हो गए हैं। हजारों लोगों को बचाया जा चुका है।
लेकिन दुश्वारियां अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। सेना, एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां राहत बचाव के काम में लगी हुई हैं। चिंता वाली बात यह है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड के कई इलाके लैंडस्लाइड की जद में आए हुए हैं। हर तरफ तबाही का मलबा नजर आ रहा है। वायनाड के कई इलाकों का नक्शा ही मिट चुका है। जिंदगी घुटनों पर आ चुकी है। लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुदरत का कहर जिन जगहों पर सबसे ज्यादा पड़ा है उनमें मुटकई, अट्टमाला, नूल पूजा और चूरामाला हैं। मानसून इन इलाकों पर कहर बनकर टूट रहा है क्योंकि बारिश होने से राहत के काम में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दो हफ्ते से बारिश का दौर जारी है। यही लैंडस्लाइड की वजह मानी जा रही है। 20,000 से ज्यादा आबादी वाले चार गांव सिर्फ 4 घंटे में पूरी तरह तबाह हो गए। सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। वायनाड में सेना ने अस्थायी पुल बनाकर हजारों लोगों की जान बचाई है। यहां प्रभावित लोगों के लिए 45 कैंप बनाए गए हैं। मेडिकल टीम भी तैनात है। राहत बचाव के लिए एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं। लेकिन संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। सैकड़ों लोग अचानक आई इस आपदा के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें बेघर होना पड़ा है। घायल लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र की तरफ से राज्य सरकार को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया है। पीएम राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल केरल के 12 जिलों में बारिश से राहत मिलने की उम्मीद कम ही है। इडुक्की, त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दूसरे कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। जमीन के रास्ते से ही लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। इस आपदा ने 11 साल पहले आई केदारनाथ त्रासदी की यादें ताजा कर दी हैं। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। हर तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। केरल में इस तरह की ये पहली त्रासदी नहीं है। हाल के वर्षों में कुदरत की मार से केरल लगातार कराह रहा है। ।2018 में आई बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2019 में पुथुमाला में लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 17 लोगों की मौत हुई। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। साल 2021 में इडुक्की और कोट्टायम में 35 लोगों की जान चली गई। साल 2022 में बाढ़ और भूस्खलन से 18 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2015 से 2022 तक 2,239 घटनाएं केरल में हुई। पिछले 6 सालों में प्राकृतिक आपदा में यहां 714 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़18।